नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है और पेंटोप्राजोल इंजेक्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अल्सर होने पर पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी लगाने की सलाह दे सकता है, जैसे ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए आपका डॉक्टर पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी लगाने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेंटोप्राजोल इंजेक्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में पेंटोप्राजोल इंजेक्शन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में पेंटोप्राजोल इंजेक्शन की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना व दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेंटोप्राजोल इंजेक्शन की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज की समस्या भी हो सकती है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को लगवाने के बाद सांस लेने में दिक्कत, गले, मुंह, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, रैशेस या एकदम से बुखार होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को केवल इंट्रावेनसली यानी केवल नसों के द्वारा लगाया जाता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पेंटोप्राजोल 40 mg इंजेक्शन को दिन में एक से लेकर दो बार लगाने की सलाह देते हैं। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पेंटोप्राजोल इंजेक्शन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।